हेलो नमस्ते, मैं सीमा नाथ आ चुकी हूँ अपने वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो करवा चौथ पर अपने चेहरे पर एक नया ग्लो, एक नई ताजगी हम किस तरह से लाएं, क्या इस्तेमाल करें जिससे हमारे चेहरे में एक नई ताजगी आ जाए, एक नई रौनक आ जाए, तो आइए मैं इसी पर आज वीडियो लाई हूँ। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए तो मैं यहाँ जो फेस पैक तैयार कर रही हूँ वो केला और हनी मिला करके कर रही हूँ। तो यहाँ करीब मैंने आधा केला का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ डाबर हनी, ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मेरा फेस पैक तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। थोड़ी देर मैंने इसे छोड़ दिया था तो ये दोनों एक दूसरे में ज़्यादा घुल गया। तो अब मैं अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ। तो अप्लाई करने के पहले मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये केला जो है काफ़ी हमारे चेहरे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको लगाने से, इसका फेस पैक लगाने से हमारे जो चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स या जो भी दाग धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ये जो हमारी उम्र के साथ एक हमारी जो स्किन जो है लूज पड़ जाती है, ये उसको टाइट करने में मदद करता है और हमें यंग दिखने में मदद करता है। और हनी जो है हमारे चेहरे में काफ़ी चमक लेकर के आती है। तो ये दोनों मिला करके जब इसका फेस पैक लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है फेस के लिए। यदि आपके चेहरे पर ज़्यादा दाग या धब्बे हैं तो इसको सप्ताह में 3 बार आप लगाइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो देखने में अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, उसे लाइक कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने चेहरे पर लगा चुकी हूँ फेस पैक। अब अच्छे से हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ चेहरे पर। ये करने से ये जो लगाया है मैंने फेस पैक वो अंदर तक जाएगा और अच्छा काम करेगा, जिससे मेरी स्किन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये जो फेस पैक है ये जाड़े के दिनों का है। जब जाड़े के दिन में हमारे चेहरे पर ड्राइनेस आ जाती है तो ये इसको सॉफ्ट करने में मदद करता है, क्योंकि केला से हमारा जो चेहरा है ना वो मॉइस्चराइज भी हो जाता है। तो इसको अच्छे से हाथों से मसाज करें और उसके बाद इसको सूखने के लिए 15 मिनट तक छोड़ दें चेहरे पर। तो ये देखिए चेहरा मेरा सूख गया है। अब मैं ठंडे पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए उसके इस्तेमाल करने से चेहरा काफ़ी साफ हो गया। जो गंदगी थी, जो डेड स्किन थे वो सब हट गए और चेहरा एकदम साफ हो गया। जो काम साबुन और फेस वॉश नहीं करता है ना, वो ये फेस पैक कर देता है। इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। अगर एक बार में आपका ये अच्छा से काम नहीं करता है तो आप इसको 2-3 दिन नहाने के पहले लगा लीजिएगा। फिर आप इसको ठंडे पानी से अच्छे से चेहरे को धो लीजिएगा।
फिर आप इसका असर देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से करवा चौथ मनाएं। थैंक यू।